तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आशा करता हूँ आप सब लोग सभी सही होंगे। तो फाइनली आपके सामने एक चेवरोलेट की ट्रावर्स लाया हूँ जो कि 2014 का मॉडल है। तो इसका मैं जा रहा हूँ डैशबोर्ड खोलने के लिए, देख पा रहे हैं आप, क्योंकि इसका एवापोरेटर कॉइल जो है ना लीकेज हो चुका है। तो इस वजह से मैं इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूँ, देख पा रहे गाड़ी पूरी फिट है। इग्निशन ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। तो देख पा रहे हैं फुल फाइनली कंडीशन में गाड़ी चालू है और इसका मैं डैशबोर्ड खोलूँगा। तो क्या क्या खोलना पड़ता है, क्या क्या खोलूँगा, इसका काफ़ी टाइम लगने वाला है इसमें। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, आप मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगा और काफ़ी चीज़ें खोलने को, किस तरीके से खोला जाता है वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका काफ़ी चीज़ें खोलना पड़ता है। तो चलो फिर मैं इसका खोलने के लिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अपना बैटरी की वायर निकाल देता हूँ, बैटरी वायर निकाल के फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली बैटरी वायर निकाल चुके अपन। तो अब मैं सबसे पहले जो खोलने जाऊँगा, चाहे आप तो इधर का भी खोल सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले कंसोल बॉक्स की तरफ से ही खोलना स्टार्ट करूँगा और मैं हर वीडियो में इधर से ही खोलना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये टेप का जो कवर दिया है वो निकाल देता हूँ, ये इसको माइनस इसको डॉट से देख पा रहे हैं ये निकल रहा है। तो ये फाइनली निकल चुका कंट्रोल पैनल का सेटअप। तो ये देख पा रहे हैं चार सॉकेट लगी रही है, ये क्लिप दबाने का और ये निकल जाएगा। तो ये चारों क्लिप मैं निकालता हूँ। तो फाइनली चारों क्लिप निकल चुका, इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ मैं। अब उसके बाद जो है सेम ये वाला निकलेगा, इधर का ऐसे खींच के निकलेगा। इस दौड़ का सहारा लेना पड़ेगा आपको अगर नहीं निकल रहा है तो। तो ये गाड़ी में पूरा काफ़ी चीज़ें खोलना पड़ता है, इसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें आप। और मैं कोशिश करूँगा हर एक चीज़ दिखाने की। आप मेरा अगर इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो भी आप अगर ऐसा सोचते होंगे यहाँ की गाड़ी का मेरे को तो कुछ संबंध नहीं क्योंकि अपने को इंडिया में करने को मिलेगा नहीं, तो ऐसा मत सोचिएगा। क्योंकि यहाँ की गाड़ी हो, वहाँ की गाड़ी हो, कहीं की भी गाड़ी हो, सब प्रोसेसिंग सेम ही रहता है, कुछ अलग नहीं रहता, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है बस, बाकी और कुछ नहीं। तो चलो ये मेरा भी खुल गया। अब मैं पीछे का जो ये बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, ये चार स्क्रू दिया है तो चारों स्क्रू खोलता हूँ मैं। तो फाइनली मैं इधर का 1 2 3 4, एक दो इधर रहेगा, 6 और 2 8 9 10 11 स्क्रू टोटल खोला हूँ। 11 स्क्रू खोलने के बाद, इधर का 6 स्क्रू खोलने के बाद, 5 स्क्रू खोलने के बाद ये बाहर आ जाएगा तुम्हारा। उसके बाद इसके अंदर 2 स्क्रू रहेगा, देख पा रहे हैं इधर 2 स्क्रू दिया है। तो ये दोनों स्क्रू खोलने के बाद ये निकल जाएगा अपना। तो ये दोनों स्क्रू खोलता हूँ मैं। तो फाइनली ये दोनों भी स्क्रू खोल दिया, अभी अपना ईजीली निकल चुका, देख पा रहे हैं निकल गया। अब मेरे को इसको खोलना है। तो सबसे पहले पीछे वाला ये ब्लोअर का जो स्विच वगैरह दिया है पीछे साइड, एयर डायरेक्शन का, हीटर का, पीछे वाला, तो ये दोनों स्क्रू खोलूँगा और नीचे से खोलूँगा। तो चलो पीछे जाता हूँ मैं, फिर उसको दिखाता हूँ। ये खोलने के बाद ये निकल जाएगा, फिर उसके बाद ये निकलेगा। तो चलो ये दोनों स्क्रू खोलता हूँ पहले। तो फाइनली मैं पीछे का भी स्क्रू दोनों खोल दिया हूँ और इसको आप पीछे ले लेना, एडजस्ट होता है ये, यहाँ इस पोजीशन में लेंगे तो खुलेगा नहीं स्क्रू पीछे का, खुल नहीं पाएंगे इसकी वजह से, इसलिए इसको पीछे ले लेना। तो ये इधर का भी स्क्रू खोल दिया हूँ मैं, ये अपना बाहर आ जाएगा। ये सॉकेट रहेगी पीछे वाली क्लाइमेट कंट्रोल का, तो इसको निकाल देता हूँ मैं। उसके बाद इसको आपको नहीं निकालना है, इसको चरखा नहीं निकालना है। अब उसके बाद ये वाला देख पा रहे हैं ये भी निकल चुका। अब अपने को ये वाला खींच के
निकालना पड़ेगा। तो इसको पहले मैं तो इसी तरीके से इसको निकालेंगे, ये निकल जाएगा, देख पा रहे हैं। इसमें दो सॉकेट दिया है, ये लाइटर की और ये एक है का, ये भी चार्जर का है यूएसबी केबल वाला। इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब जो मेरे को खोलना है ये देख पा रहे हैं, ये 10 नंबर, ये 10 नंबर, फिर सेम आगे ये बीच में मिडिल में एक 10 नंबर दिया है, एक इधर इधर दिया है। ऐसे ही खोलते जाना है अपने को। खोलने के बाद फिर ये इसको ये वाला निकलेगा, ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये नहीं निकलेगा, ये निकलेगा। तो चलो ये 10 नंबर पीछे एक दिया है, 10 नंबर आई थिंक 8 नंबर या 10 नंबर ऐसा कुछ रहता है। तो चलो मैं ये दोनों साइड का ये दोनों खोलता हूँ। तो फाइनली ये इसको निकालने से पहले अपने को ये वाला फाइबर निकालना पड़ेगा। ये जो देख पा रहे हैं ये वाला निकलेगा पहले। तो इसको निकालने से पहले अपने को ये वाला खोलना पड़ेगा। तो इसको माइनस इसको डॉर से बाहर लेना पड़ेगा। इसके अंदर कुछ ना कुछ दिया रहेगा। तो मैं इसको निकालता हूँ। तो फाइनली इसको ये निकलेगा नहीं, ये अंदर से दिया हुआ रहता है इसका लॉक, निकाल के मतलब नहीं, क्योंकि एयर आने के लिए दिया है पैर पे, लेग मोड का है। तो इसके अंदर से कुछ दिया नहीं है, इसकी वजह से इसको निकालेंगे, खींच के निकालना पड़ेगा, इसमें लॉक दिया हुआ रहता है। तो ये निकल चुका, तो चलो इसको मैं बाहर लेता हूँ। तो फाइनली ये भी बाहर निकल चुका, देख पा रहे हैं। सेम उस साइड का निकालना पड़ेगा ऐसे ही। तो चलो मैं उस साइड का निकालता हूँ, उस साइड जाकर के दिखाता हूँ आपको। सेम इस साइड भी ये वाला खोलना पड़ेगा पहले अपने को। तो इसमें क्लिप दिया है, क्लिप निकाल के इसको नीचे लेता हूँ। तो फाइनली ये भी निकल चुका अपना। अब उसके बाद इसको आपको खींच के निकालना है। तो ये फाइनली निकल गया। तो चलो इसको अब मैं पीछे होल्ड करता हूँ। तो फाइनली दोनों साइड का निकल चुका, ये देख पा रहे हैं। तो अभी से ये वाला निकालना पड़ेगा अपने को। तो ये वाला खोलने के लिए इसको दबाने का, इधर दोनों हाथ चाहिए मेरे को, उधर एक हाथ से जम नहीं रहा अपने को। तो चलो इसको निकालता हूँ मैं, और एक स्क्रू इधर दिया रहेगा, ये स्क्रू खोलने के बाद ही निकलेगा ये। तो दोनों साइड वैसे ही दिया, दोनों साइड का स्क्रू खोलता हूँ और इसको निकालता हूँ। तो फाइनली स्क्रू खोलने के बाद लॉक दबा हुआ रहेगा, लॉक में सब लॉक निकालेंगे। निकल गया। तो अब अपन इसको ये दोनों 10 नंबर इधर का और ये 2 10 नंबर खोल के इसको निकालते हैं पहले। तो दोनों साइड का दोनों 10 नंबर चारों ने खोल दिया हूँ, ये अपना इजीली निकल जाएगा, देख पा रहे निकल गया। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो ऊपर का सेटअप था वो नहीं भी खोलते तो चल जाता, लेकिन नहीं खोलते तो भी चल जाता, लेकिन ये जो हाथ डालने के लिए ना अंदर जगह नहीं मिलती है पहले, इसके वजह से खोलना पड़ता है, बाकी और कुछ नहीं। तो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब जो है ये वाला खोलना पड़ेगा पहले अपने को। तो इसको ऐसे खींचेंगे, ये निकल गया। तो
इसको पीछे ऑयल कर देता हूँ। उसके बाद एक स्क्रू ये, एक स्क्रू ये और एक स्क्रू ये, स्क्रू ये सब मैं खोलता हूँ। तो इसको निकालने से पहले अपने को ये वाला खोलना पड़ेगा। एक स्क्रू देख रहे हैं, ये निकालना पड़ेगा पहले, तो इसको निकालता हूँ मैं। तो चलो अपना ये पहले निकल गया। दो सॉकेट है इसमें, निकल चुका। अब अपने को ये वाला खोलना है। तो दो स्क्रू यहाँ भी दिया है, दो स्क्रू हो गया, सब स्क्रू खोलता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली स्क्रू खोलने के बाद ये खुल जाएगा, खुल गया अपना। तो इसको गियर के पास से जरा मैं निकाल देता हूँ। तो फाइनली निकल गया। तो चलो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब देख पा रहे हैं यहाँ का सेटअप, क्या क्या दिया है। नीचे दो 10 नंबर दिख रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले मेरे को तो कंसोल बॉक्स गियर का सेटअप खोल के पलटी मारना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा यहाँ से लॉक वगैरह। तो चलो ये 14 नंबर का बोल्ट खोलता हूँ मैं। तो फाइनली कंसोल बॉक्स का नीचे से जितना भी 10 नंबर था, लगभग टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 7 लगभग 9 बोल्ट था, 8 से 9 बोल्ट था, वो खोल दिया हूँ। अब ये अपना इजीली, और गियर बॉक्स को मैंने यहाँ केबल ही निकाल दिया, क्योंकि इसको निकालने जाओ तो फिर मसला वही बात वही होती है। तो इससे अच्छा इसको साथ ही रखा हूँ, इसको पूरा सेटअप निकाल लेता हूँ। तो चलो यहाँ एक सॉकेट रहेगी, 2 सॉकेट है, ये दोनों सॉकेट निकाल के इसको बाहर लेता हूँ मैं। तो फाइनली ये दोनों सॉकेट निकाल दिया हूँ। तो अपना पूरा देख पा रहे हैं निकल चुका है। तो चलो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। तो फाइनली देख पा रहे हैं कंसोल बॉक्स पूरा बाहर ले लिया हूँ। देख पा रहे किस तरीके से दिख रहा है डैशबोर्ड इसका। तो चलो इस साइड से मैं अब जब तक कंसोल बॉक्स खोल लेता हूँ। तो ये वाला लॉक दिया है इसमें, तो चलो इसको मैं निकालता हूँ। तो निकाल के फिर दिखाता हूँ आपको, ये पूरा सेटअप साथ आएगा इसके साथ। तो फाइनली निकाल दिया हूँ ये वाला लॉक। ये लॉक, ये गाड़ी का जो है ना डैशबोर्ड बहुत जल्दी क्रैक हो जाता है, तो बहुत संभाल के खोलने का रहता है, और संभाल के ही खोलना आप। तो चलो इसको मैं पीछे होल्ड कर देता हूँ। के बाद जो है ये वाला निकाल ही दे, आप बाहर ही निकाल दे इसको। उसके बाद जो है ये साइड का खोलना पड़ेगा। तो ये साइड का खुल गया। तो अब रही 8 नंबर, ये सब 8 नंबर जो दिख रहा है वो सब खोलता हूँ मैं। तो इस साइड का फाइनली ये खोल दिया हूँ। तो चलो अब इस साइड से तो मेरे को खोलना क्या है, ये 8 नंबर, ये 8 नंबर, सॉरी 7 नंबर रहेगा, ये 7 नंबर है। और इसका डैशबोर्ड जो है 2 भागों में निकलता है, ये रहे 7 नंबर, ये वाली, ये वाला ऊपर का पोर्शन पहले निकलेगा, फिर अंदर का अंदर ही रह जाएगा। तो चलो पहले इसको निकाल देता हूँ मैं। तो इसको खोलता हूँ। तो जैसे ही लॉक खोलेंगे, अंदर 10 नंबर दिया हुआ रहता है। तो चलो दोनों खोलता हूँ मैं। तो फाइनली जैसे खोलेंगे ये, बस ये वाली स्पीकर की सॉकेट है, उसको निकाल लेता हूँ। प्रेस वाला लॉक है, एक पहले निकालना पड़ेगा फिर ये निकलेगा। तो चलो इसको निकालता हूँ मैं। तो फाइनली ये भी निकल चुका। तो साइड का 7 नंबर नट खोलता हूँ मैं, बोल्ट खोलता हूँ, खोल के फिर पहले टेप निकाल देता हूँ। तो फाइनली
साथ में सब खोल गया हूँ, आप देख पा रहे हैं इतनी सारी सॉकेट है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 है। एंटीना की है, USB केबल है, बाकी सप्लाई मेन सॉकेट है। तो चलो ये निकालता हूँ मैं। तो फाइनली टेप भी खुल गया और एक ये 4 इंडिकेटर की सॉकेट इसमें दिया है, 4 इंडिकेटर है और काफ़ी सारे इसमें फंक्शन है। तो ये सॉकेट निकालता हूँ मैं। तो फाइनली अब निकल गया। मैं 7 नंबर का जो जितने सारे भी बोल्ट दिख रहे हैं ना, अब 7 नंबर का ही काम आएगा मेरे को खोलने का। ये 7 नंबर ये सब खोलता हूँ मैं। ये तो नहीं खुलेगा, इसके साथ ही आएगा। तो चलो 7 नंबर जितने सारे भी दिए हैं ना इधर डैशबोर्ड में, चलो ये वाला पार्ट निकलेगा, फिर ये नीचे वाला निकलेगा। तो चलो फिर एयर बैग इधर है, एयर बैग का सेटअप भी निकाल देता हूँ मैं। एयर बैग का सेटअप निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को ये खोलना पड़ेगा, तो चलो खोलता हूँ मैं इसको। तो इधर से देख पा रहे हैं ये हिलने लगा है, देख पा रहे हैं हिल रहा है ये। बस एयर बैग का सॉकेट और यहाँ से 2 बोल्ट खोलना रहेगा। ये देख पा रहे हैं 10 नंबर, 1-10 नंबर ये खोलेंगे, ये इजीली ऊपर आ जाएगा। तो चलो फिर मैं ये दोनों 10 नंबर खोल के उस साइड चलता हूँ, उस साइड का मैं खोल के दिखाऊंगा, क्योंकि आप भी सोचते रहेंगे कि स्टेयरिंग अभी तक तो खोला ही नहीं है कुछ, डैशबोर्ड पूरा खोलने को आ गया। तो चलो उस साइड चलता हूँ मैं ये खोल के। तो इधर आ गए अपन, सबसे पहले ये वाला खोलना पड़ेगा, इसमें 3 क्लिप दिया हुआ रहेगा, ये वाली क्लिप, ये वाली खोलने के बाद ये बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद वो निकालने के बाद इसको निकाल दें आप। जैसे उस साइड निकाले थे सेम उस साइड भी उसी निकलेगा। उसके बाद ये वाले पीछे और निकलेगा, उसके बाद जो निकलेगा आपका ये वाला निकलेगा। तो इसमें नीचे 8-7 नंबर स्क्रू दिया है, 2-3 स्क्रू रहेगा। तो चलो ये दोनों तीनों स्क्रू खोलता हूँ मैं, उसके बाद इसको निकालता हूँ फिर। तो केबल खोल के इसको अलग कर दिया हूँ बोनेट का, 2 स्क्रू रहेगा बोनेट के साथ, केबल के साथ रहता है, 2 स्क्रू खोल दिया हूँ और 1 स्क्रू इधर है, इधर 7 नंबर। उसके बाद इसको खींचना है आपको, यहाँ से माइनस स्क्रू ड्राइवर लगा देने का। देख पा रहे हैं निकल चुका, और ये हेडलाइट का स्विच अभी निकल चुका, तो पीछे रख देता हूँ। अब अपना ऊपर का वैसे भी तो अभी खुल जाएगा, लेकिन बट अपन स्टेयरिंग भी निकाल देता हूँ मैं। तो सबसे पहले इसका एयरबैग निकालते हैं अपन। तो इसका एयरबैग खोलने के लिए आपको ये जो देख पा रहे हैं ना, ऐसा स्क्रू ड्राइवर लेने का, यहाँ से दिखना तो इम्पॉसिबल है, दिखना भी, और लॉक को मेरे को यहाँ से एयरबैग को ना ऊपर थोड़ा प्रेस करके रखना पड़ेगा फिर निकलेगा। तो चलो मैं इसको निकालता हूँ, निकाल के फिर दिखाता हूँ आपको। ये फिट है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसको थोड़ा डालना है अंदर और इसको थोड़ा खींच के रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा रहता नहीं है। तो चलो मैं निकालता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो फाइनली निकाल दिया मैं इसको। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ें दिखा देता हूँ, इसको डाल इधर से डाल रहा हूँ और आप यहाँ देखिए, देख पा रहे हैं ये डायरेक्ट वहीं जाकर के लॉक में जाकर के ये लगता है। तो फिर इसको दबाएंगे ये निकल जाता है, 2 ही लॉक रहता है, एक इधर दिया है सेम वही। तो चलो इसका एयरबैग में निकालता हूँ। तो इसके 2 एयरबैग रहते हैं, मतलब 2 सॉकेट दिया हुआ रहता है इसमें। फाइनली ये निकल चुका। तो चलो अब एलएनकी खोलते हैं अपन। तो फाइनली एलएनकी खोल दिया। अब देख पा रहे हैं एक एरो का मार्क, एरो मार्क दिखा हुआ है। स्टीयरिंग वैसे सीधा है मेरा, और एरो का मार्क है, और इसमें भी एक मार्क किया हुआ है। तो इसमें खोलने के फिटिंग करने में आपको टेंशन नहीं रहेगा। तो चलो इसको मैं निकाल देता हूँ स्टीयरिंग को।
इसके बाद जो ये क्लॉक रिंग आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, तो इसकी वजह से इसको लॉक कर दें, बेटर रहेगा। अभी तो लॉक नहीं होगा, इसको निकालेंगे तभी लॉक होगा ये वाला। तो चलो इसको मैं खोलता हूँ। इसमें स्क्रू रहेगा एक ये और एक ये, दो इधर, टोटल तीन स्क्रू है। ये खोलता हूँ, ये देख पा रहे हैं ये इसका बहुत जल्दी टूट जाता है। तो चलो मैं खोलता हूँ। तो फाइनली इधर का तो बाद में खोलता हूँ, सबसे पहले मीटर निकाल देता हूँ मैं। तो मीटर निकालने से पहले ये वाला रेड वाला जो देख पा रहे हैं इसको निकालना पड़ेगा, लॉक रहती है ऑलरेडी यहाँ तो किसी ने नहीं, इसका लॉक निकल गया। तो चलो इसको ऊपर ही रख देता हूँ। उसके बाद जो है अपना ये देख पा रहे हैं ये बहुत जल्दी टूट जाता है, इसको बहुत संभाल के खोलने का रहता है। तो चलो ये 10 नंबर एक ये खोलने के बाद, सॉरी 10 नंबर बोल रहा हूँ, 7 नंबर ये खोलता हूँ। खोलने के बाद ये पूरा मीटर का ऊपर का कवर बाहर आएगा। तो चलो फिर मैं बाहर लेता हूँ ये दोनों खोल के। तो फाइनली 7 नंबर दोनों खोल दिया हूँ। अब इसको थोड़ा दबाने का ये बाहर आ गया, तो इसको जब तक के लिए ऊपर ही रख देता हूँ अभी। उसके बाद देख पा रहे हैं ये 7 नंबर एक इधर दिया है, एक इधर, 2, 3, 4 है टोटल, चारों 7 नंबर खोल के बाहर निकालता हूँ मैं। तो चारों 7 नंबर खोल दिया हूँ, खोल के ये इजीली अपना बाहर आ जाएगा। तो चलो एक सॉकेट रहेगी, ये वाली सॉकेट खोल के इसको बाहर निकालता हूँ मैं। तो देख पा रहे हैं किस तरीके से दिखता है। तो अपने को अभी ये वाला पोर्शन खोलेंगे नहीं और ये भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है ना ये काफ़ी दिक्कत कर सकता है, ये निकालने देगा नहीं, निकालेंगे तो ये टूट जाएगा। तो उससे अच्छा मैं करता क्या हूँ इसको, अभी इसको बाद में अपन देखेंगे। अभी सबसे पहले अपने को पहले ऊपर वाला पोर्शन निकलेगा। तो ये देख रहे हैं एक 8-7 नंबर इधर दिया है, एक इधर दिया है, ये खोलूँगा ये बाहर आएगा, और इधर है, इधर है। तो चलो सबसे पहले ये साइड का पैनल खोल देता हूँ मैं, जैसे उस तरफ खोले थे, सिर्फ एक यहाँ दिया है 10 नंबर रहेगा। तो चलो खोलता हूँ इसको मैं, उस तरफ 10 नंबर तो नहीं, 7 नंबर निकला, क्योंकि इसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि उस साइड जो दिया है पैसेंजर साइड उधर हैंडल रहता है इसकी वजह से। तो चलो ये सॉकेट निकालता हूँ मैं इसको। तो चलो अब आ जाते हैं, ये 7 नंबर खोलता हूँ, ये 2-7 नंबर, और इधर तो नहीं दिख रहा है, इधर भी नहीं है। तो ये दोनों 7 नंबर चारों खोलता हूँ। तो फाइनली इधर का भी खुल गया, देख पा रहे हैं हिल रहा है, लेकिन बट अभी निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, ऊपर का तो खुल गया है लेकिन निकलेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी दिया है, देख पा रहे हैं 2-7 नंबर यहाँ है। ये 7 नंबर खुलने के बाद ये बॉक्स बाहर आएगा, उसके बाद ये वाला निकलेगा। तो मैं आपके सामने ही निकालता हूँ इसको। ग्लास संभाल के इधर, के ग्लास का ये दिया हुआ रहता है इधर। ब्लॉक में बैठा है, तो फाइनली सब लॉक निकालता हूँ मैं। एक हाथ से तो जम नहीं रहा, निकाल के फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो फाइनली मैं निकाल चुका हूँ, देख पा रहे हैं एक संदूक सेंसर है यहाँ, तो संदूक सेंसर की सॉकेट में निकालता हूँ। तो संदूक सेंसर की सॉकेट तो नहीं निकाला, सेंसर ही निकाल दिया वहाँ से। तो चलो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ मैं। अब देख पा रहे हैं एक 7 नंबर यहाँ और एक यहाँ, ये तो बाद में खुलेगा, अभी डैशबोर्ड फिलहाल के लिए ये खुलेगा। उसके बाद 10 नंबर उधर दिया, एक 10 नंबर उधर दिया, इससे पहले मैं ये खोल देता हूँ, ये दोनों 7 नंबर खोल के इसको निकालता हूँ। तो जैसे आप
सात नंबर खोलेंगे। मैंने थोड़ा और से इधर साइड से कटा के इजी स्टेप में निकल गया, तो चलो इसको बाहर ले लेता हूँ। एक सॉकेट दी हुई है चार्जर की, तो चलो फिर मैं इसको निकालता हूँ। तो फाइनली सॉकेट भी निकाल दिया, इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब उसके बाद ये देख पा रहे हैं, दो सात नंबर दिया है इधर ये, और बाकी सब उधर क्या खोलता हूँ मैं, खोल के आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली उधर का सब खुल चुका है, तो चलो अब अपना डैशबोर्ड बाहर आ जाएगा। एक सॉकेट लड़ रहा है इधर, सॉकेट की क्लिप। तो फाइनली अपना डैशबोर्ड निकल चुका है देख पा रहे हैं, तो चलो इसको बाहर लेता हूँ फिर। तो फाइनली डैशबोर्ड ऊपर वाला निकाल दिया हूँ, देख पा रहे हैं इस तरीके से दिख रहा है। डैशबोर्ड बाहर रख दिया हूँ, ये रही। तो चलो फिर अब मैं नीचे वाला खोलता हूँ, उससे पहले ये वाला खोलना पड़ेगा मेरे को। तो चलो उस साइड जाकर के मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। तो इस साइड पहले मैं ये चीज़ें खोलने के पहले ये जो एयरबैग रिंग देख रहे हैं ना, इसको आप सेफ्टी के लिए ये इसको लॉक कर दें, क्योंकि आप कभी घूम जाए ये कुछ मालूम नहीं, बोल नहीं सकते, हाथ लग जाए कुछ लग जाए तो घूम सकता है ये इसके वजह से। तो चलो अब जो है ना, मैं सबसे पहले ऊपर का पोर्शन निकालता हूँ, इसको डाल डालने का ऐसा। पर वाला निकल चुका, उसके बाद ये साइड का निकालने का। ये भी निकल चुका, तो ऐसे ही साइड का निकालता हूँ मैं। तो फाइनली इधर का भी निकल गया। तो चलो अब क्लॉक रिंग निकालता हूँ, एक दो तीन चार स्क्रू दिया निकालता हूँ। तो अब फाइनली इस चारों स्क्रू भी खोल दिया हूँ, और इधर का वायरिंग इधर से निकाल देता हूँ, क्योंकि अब घूमेगा तो समझ में आ जाएगा। इधर का स्क्रू तो सब खोल लिया हूँ, अब इसको निकालना है। पीछे एक सॉकेट है, तो ये दोनों सॉकेट खोलता। तो फाइनली दोनों सॉकेट निकल गया, एक सॉकेट नीचे है। तो फाइनली ये भी निकाल दिया, इसको बाहर ले लेता हूँ। बाहर लेके इसको सबसे पहले लॉक कर दें, तो चलो इसको मैं लॉक कर देता हूँ। तो फाइनली इसको लॉक भी कर दिया मैं, टाई क्लिप से बांध दिया हूँ। अब अपने को खोलने की ज़रूरत है ये वाला हेडलाइट का स्विच। तो इसमें पीछे साइड एलन की दिया है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो दोनों एलन की खोलता हूँ मैं। तो एलन की दोनों खोल दिया हूँ मैं फाइनली, और खोलने के बाद ये दो सॉकेट रहेगी। ये दो सॉकेट निकालने के बाद हिला हिला के निकल गया। तो चलो अब मैं इसको निकाल देता हूँ। ये काफ़ी बाद में निकलता है। तो अब चलो मैं डैशबोर्ड का सात नंबर जितना भी है कि ये एक दस नंबर जो सामने दिया है, तो बाकी इधर है दस नंबर है, दस नंबर है, ये रही सात नंबर, सात नंबर, सात नंबर, पूरा जो दिखने को मिलेगा ना सिर्फ सात नंबर ही सात नंबर मिलेगा। तो चलो सभी सात नंबर मैं खोलता हूँ पूरे यहाँ से वहाँ तक, और फिर डैशबोर्ड निकालता हूँ। और ये नल्ला जो देख रहे हैं, नल्ला को आपको संभाल के निकालना रहेगा, जैसा निकालेंगे वैसे ही डालना रहेगा। इधर का भी, इधर का भी, क्योंकि ये बाद में आप जब डालेंगे ना, तो थोड़ा भी अल्टर हुआ तो फिट होता ही नहीं है। तो जिस तरीके से निकालेंगे उसी तरीके से फिट करने का रहता है। तो चलो फिर मैं निकालता हूँ। तो फाइनली सभी बोल्ट खुल गया, अभी अपना निकल जाएगा। तो ये टूटने का चांस बहुत रहता है, ये बहुत क्रैक हो जाता है ये धूप में, इधर की गर्मी बहुत होती है ना, इसकी वजह से इधर धूप, इधर की धूप में ये क्रैक हो जाता है और ये पार्ट से टूट जाता है। तो इसको बहुत संभाल के निकालने का। तो
तो चलो इसको मैं निकालता हूँ, फाइनली निकाल के फिर दिखाता हूँ। तो अब अपना फाइनली ये डैशबोर्ड खुल गया, तो आप देख पा रहे हैं इसका एंगल कितना VIP एंगल दिया है, देख पा रहे हैं पूरा VIP एंगल कितना, किस तरीके से कितना हेवी फिटिंग है इसका। तो अब अपने को एंगल निकालने का है। एंगल निकालने से पहले स्टेयरिंग मेरे को नीचे लेना पड़ेगा, फिर कितनी सारी बोल्ट दिख रहे हैं आपको, ये सब बोल्ट खोलना पड़ेगा अपने को, 13 नंबर 13 नंबर 10 नंबर ये सब कुछ खोलना पड़ेगा, यानी काफ़ी सारी। अब तक इतना बोल्ट खुल चुका है इसका, देख पा रहे हैं इतना इस साइड है इतना उस साइड है, इतना सारा बोल्ट खुल चुका है। अब अपने को इतना सारा और बोल्ट खोलना है, इसकी वजह से काफ़ी टाइम लगता है। और ये नल्ला देख लें, नल्ला का फिटिंग कैसा है वैसा ही आपको बैठाना है बाद में, उधर का भी देख लीजिए नल्ला कैसा फिटिंग है वैसा ही बैठाना है आपको। और ये वायरिंग अलग करना पड़ेगा अपने को। तो चलो मैं सबसे पहले ये खोलता हूँ, ये खोल के स्टेयरिंग नीचे लेता हूँ, स्टेयरिंग का बोल्ट दिया है इधर काफ़ी सारे, तो ये सब खोल के नीचे लेता हूँ मैं इसको। तो फाइनली स्टेयरिंग को निकाल दिया हूँ, दो ये दो इधर, 4 और दो इस साइड 6 बोल्ट, 4 8 बोल्ट खोलना पड़ा उधर से अपने को। तो चलो अब ये सब बोल्ट मैं खोलता हूँ, ये सब पट्टी उट्टी सब खोलता हूँ। तो फाइनली एयरबैग मॉड्यूल यहाँ दिया है इसका, और दूसरा ये 12 नंबर दोनों खोल दिया, और यहाँ का डक्ट निकाल देने का अपने को, निकाल दिया मैंने इसको। और उसके बाद 12 नंबर दो यहाँ है, तो 12 नंबर निकालने के बाद ऊपर दो 10 नंबर, दो इधर दो इस साइड 4 है, निकालने के बाद इजीली निकल जाएगा। तो ये सॉकेट दोनों निकालता हूँ मैं, तो फाइनली इधर का सॉकेट क्लिप निकल गया, पीछे ऑल कर देते हैं। तो अब अपने को ये वाली बोल्ट क्लाइमेट कंट्रोल से दिया हुआ है, ये सब खोलता हूँ। और मेरे जितनी सारी भी बोल्ट है ना सब खोलता हूँ मैं, वायरिंग को अलग करना पड़ेगा मेरे को, तो खोलता हूँ और खोल के फाइनली दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस फाइनली इधर का बोल्ट खोल लिया हूँ, इधर का तो पहले ही निकाल दिया हूँ, और उधर का भी सब बोल्ट निकाल दिया हूँ, जो जो खोलने का था अपने को खोल दिया हूँ, बस इधर का भी इधर का भी। अब अपने को बाहर से एक्सपेंशन वाल तो खोल चुका हूँ, लेकिन बट हीटर का नहीं निकाला हूँ, देख पा रहे हैं क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट के साथ आएगा ये बाहर, हीटर का पाइप लग रहा है बाहर से सिर्फ बस। और ये सब सॉकेट निकालना पड़ा अपने को, क्योंकि ये जो है BCM से जुड़ा हुआ रहता है, और उसके बाद इधर की सॉकेट निकालनी पड़ी, ये दोनों सॉकेट, और उधर जो है ये वाली सॉकेट निकालनी पड़ी। तो बाकी सब साथ में आएगा, देख लीजिए आप, देख पा रहे हैं क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट के साथ आ रहा है, तो इसको क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट के साथ ही निकालेंगे, क्योंकि ऐसे निकालेंगे तो बहुत मचान हो जाएगा। तो चलो बाहर आपको दिखा देता हूँ ज़रा, बाहर देख लीजिए सबसे पहले इसका इंजन देख लीजिए किस तरीके से दिख रहा है, और बाहर से अपने को इसका बैटरी की वायर भी, बैटरी इसका अंदर दिया हुआ रहता है, बस बैटरी की वायर ये वाली निकाला हूँ इसको मैं, यहाँ बैटरी नहीं रहता है, अंदर से बैटरी की वायर आकर के डायरेक्ट फ्यूज में आता है। तो ये रही, बहुत अंदर दिया हुआ रहता है काफ़ी इसका, ये रही एक्सपेंशन वाल के पास का जॉइंट निकाल चुका हूँ, और ये रही हीटर का, दोनों निकालना है अपने को अभी। तो बाकी ये सब भी खोलना पड़ा अपने को, ऊपर का कवर वगैरह, और डैशबोर्ड अपना सब उधर सामान रखा हुआ है। तो चलो फिर मैं ये पाइप खोल के एंगल और क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट निकालता हूँ, निकाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली डैशबोर्ड निकाल चुके अपन, देख पा रहे हैं डैशबोर्ड बोल रहा हूँ, एंगल और विद क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, वायरिंग बस अपने को इधर ही छोड़ना पड़ा, देख पा रहे हैं फ्यूज बॉक्स इधर रह गया, वो कंट्रोल यूनिट उधर रह गया उसका BCM। तो चलो फिर मैं बाहर दिखाता हूँ आपको, ये रही इसका भी पूरा सेटअप खोलना पड़ेगा अपने को। तो चलो मैं इसको खोल के रिप्लेस करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो फर्स्ट अपन अपने को हीटर कॉइल खोल के पहले अलग करना पड़ेगा, तभी जा करके ये निकलेगा, ये देख पा रहे हैं इधर से इसका सेटअप दिया है। तो चलो हीटर कॉइल बाहर निकलता हूँ, इसका हीटर कॉइल, तो चलो बाकी का ये सब इसको खोलता हूँ। तो फाइनली देख पा रहे हैं इतना सारा कुछ खोलना पड़ा, ये खोलना पड़ा, ये सब खोलना पड़ा,
फिर जा करके इवेपोरेटर कोयल निकला। तो चलो ये नया वाला है और ये पुराना वाला है, तो इसका एक्सपेंशन वाल इसमें मैं डालता हूँ और फाइनली पूरा फिट करके गाड़ी में डाल के अंदर डैशबोर्ड में फिर दिखाता हूँ। तो फाइनली फिटिंग हो गया, देख पा रहे प्रॉपर तरीके से सब फिटिंग कर दिया हूँ, देख पा रहे। तो चलो फिर अब मैं इसको अब डैशबोर्ड इसको गाड़ी के अंदर डालता हूँ, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट विथ एंगल के साथ डालता हूँ, तो फिर डालने के बाद ही दिखाता हूँ। तो फाइनली अपना डैशबोर्ड बोल रहा हूँ एंगल विथ क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट अपन वापस से डाल चुके हैं। तो चलो मैं इसमें प्रेशर वगैरह मार के भी रख चुका हूँ, तो बाहर चलते हैं आप वो दिखा देता हूँ। ये एक्सपेंशन वाल लगा दिया हूँ मैं एक्सपेंशन वाल के पास का ज्वाइंट, और प्रेशर रखा हूँ 300 से ऊपर मार के रखा हूँ, और इसको जब तक रखते हैं जब तक अंदर का फिटिंग हो जाएगा और अपना लीक टेस्ट भी हो जाएगा। तो अब डैशबोर्ड के अंदर मैं सब फिट कर रहा हूँ, वायर भी तो जैसे निकाला था वैसे ही लगा दिया हूँ, और बाकी एंगल इधर का स्टेयरिंग पूरा सेटअप इसके अंदर डालता हूँ। तो चलो बाकी ये सब चीज़ें मैं फिटिंग करता हूँ धीरे धीरे, और बाकी जैसे आप खोले थे ना वैसे ही फिट होगा, बाकी और कुछ दूसरा तरीका नहीं है, जो पहले खोले थे आप उसी तरीके से फिटिंग करते जाओगे तो ईजी रहेगा। तो जो मतलब पहले सबसे पहले जो पार्ट आप खोले थे, जैसे डैशबोर्ड में मैंने अभी ये एंगल डाल दिया तो पहले यहाँ का खोला था मैं, तो इसको फिटिंग कर दूंगा, उसके बाद स्टेयरिंग को फिटिंग करूंगा, उसके बाद बोल्ट वगैरह पहले तो लगा दूंगा। तो जैसे जैसे जो स्टेप से आप खोले थे अपोजिट उसके स्टेप से आप फिटिंग करते जाना। तो चलो अब मैं फाइनली फिटिंग करने लगता हूँ और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दूंगा। तो चलो फिटिंग करने के लिए लग जाते हैं अपन। तो फाइनली ना सब बोल्ट वगैरह सब फिक्स हो गया, प्रॉपर तरीके से फिक्स हो गया, वायर भी सब फिक्स हो गया। तो चलो अब मैं आगे वाला डैशबोर्ड इधर वाला डालता हूँ पहले, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाला डलेगा, तो पहले इधर वाला डालता हूँ। तो फाइनली ये डैशबोर्ड डल चुकी, देख पा रहे हैं फिटिंग भी हो चुका। तो चलो अब इसके ऊपर वाला डैशबोर्ड में इसमें डालता हूँ। तो फाइनली ऊपर वाला डैशबोर्ड भी डाल चुका हूँ, देख पा रहे हैं। तो चलो मैं ये सब धीरे धीरे फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसे खोले थे वैसे ही फिटिंग होगा, बाकी कुछ नहीं। तो चलो मैं फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करने के बाद फिर दिखाता हूँ। तो फाइनली टेप वगैरह सब फिट हो चुका, देख पा रहे हैं आप स्टेयरिंग वगैरह सब फिट हो गया, ये सब कुछ अंदर का बाहर का और ये बाहर का बोल रहा हूँ अंदर का जो भी खोला गया था डैशबोर्ड में सब फिट हो गया। अब बचा अपना कंसोल बॉक्स, तो चलो मैं कंसोल बॉक्स डालता हूँ, कंसोल बॉक्स फिटिंग करके फिर आओगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली कंसोल बॉक्स भी डाल चुका हूँ, तो चलो इसको मैं फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके फिर दिखाता हूँ। तो फाइनली देख पा रहे इतना सारा सब कुछ फिट हो गया, इधर का तो पूरा सेटअप फिट हो गया, बस बाकी इधर का दोनों पैनल फिटिंग करना बाकी है मेरा, और पीछे का और बाहर गैस चार्जिंग वगैरह बाकी है। तो चलो सबसे पहले बाहर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फाइनली अपना हीटर पाइप और एक्सपेंशन वाइल सब लग चुका है, प्रेशर जितना मारा था उतना ही होल्ड है। तो चलो अब मैं इसको वैक्यूम में लगाता हूँ, बैटरी वगैरह लगा करके अंदर का सब फिटिंग करके गाड़ी वगैरह चालू करके दिखाता हूँ आपको। तो चलो, तो फाइनली पूरी तरीके से सब कुछ फिट हो चुका, देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से फिट हो गया है। तो चलो अब मैं गाड़ी को चालू स्टार्ट कर रहा हूँ, गैस चार्जिंग वगैरह सब कर चुका हूँ, गाड़ी चालू भी हो चुकी है। पहले एयरबैग लाइट आ रही थी, देखते हैं अभी आ रहा है क्या नहीं, अभी भी एयरबैग लाइट आ रही है। ये प्रॉब्लम जो था पहले से था, तो इसका कोई टेंशन नहीं अपने को। तो अब एसी चालू हो कर देता हूँ मैं, एसी चालू रखा हूँ, लोड की स्पीड मीडियम में रखा हूँ, आउटसाइड एयर चालू रखा हूँ, रियर का एसी भी चालू रखा हूँ, एयर का डायरेक्शन फ्रंट मोड में रखा हूँ यानी सामने रखा हूँ। तो एयर आ रही है, कूलिंग भी हो रही है, गैस फुल चार्ज कर देता हूँ। और एक चीज़ है इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बगैर मशीन का गैस आप नहीं डाल सकते हैं। अगर आप ऐसे ही नॉर्मल गैस सादा जैसे डालते हैं टॉप अप मारते हैं, या फिर बगैर मशीन का गैस आपको पता ही होगा कैसे डाला जाता है, तो उस तरीके से इसमें गैस एक्सेप्ट करता नहीं है।
तो इसको मशीन में से ही डालना पड़ता है गैस, नहीं तो अगर बाय द वे आप अगर गैस डाल देंगे तो ये कंप्रेसर बार बार ट्रिप करने लगेगा और कूलिंग प्रॉपर होगा नहीं, या फैन बंद कर देगा या कंप्रेसर स्टार्ट करता ही नहीं है। ये गाड़ी का जीएमसी बोल रहा हूँ चेवरलेट का ये फंडा है कि आप मशीन से ही गैस डाल लें इसको, बस और कुछ नहीं। अगर इस तरीके से आप ये गाड़ी में अगर मशीन आपके पास नहीं है तो किस तरीके से गैस डालने का है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर इसको बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अपने पास अभी मशीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन बट मैं इसमें गैस चार्ज कर दिया हूँ, तो मशीन में जिस तरीके से गैस डाला जाता है उस फंडा को आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से मशीन में गैस डाला जाता है, तो उस हिसाब से इसमें गैस डालेंगे तो आपका गैस फिल हो जाएगा। तो इसमें पीछे का भी एसी मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे का कंट्रोल यहाँ दिया है और पीछे देख पा रहे हैं पीछे रूफ में एसी है पूरा। इसका एवापोरेटर कोयल पीछे का पीछे बाजू में दिया है, जैसे एक्सयूवी में दिया हुआ रहता है प्लस इनोवा में दिया हुआ रहता है उसी तरीके से, तो बाकी प्रॉपर फिट हो गया। तो गाइज मैं आप लोगों से एक सजेशन कर रहा हूँ कि ये गाड़ी में कितना टाइम लगा होगा मेरे को डैशबोर्ड खोलने में और फिटिंग करने में, कितना टाइम लगा हो, जो आप इसमें एक्सपर्ट हैं मेरा वीडियो जो देख रहे हैं डैशबोर्ड खोलने फिटिंग करने में एक्सपर्ट हैं, तो वो अनुमान लगा के ज़रूर बताएं कि इसमें कितना टाइम गया होगा। तो मेरे पास मीटर तो नहीं है अवेलेबल, तो मीटर रहता तो ज़रूर मैं आपको दिखाता टेम्परेचर, इसमें कूलिंग टेम्परेचर कूलिंग हो रही है बराबर, कूलिंग इसका लगभग चार पाँच के बीच में रहता है। तो चलो फिर आप अगर मेरे चैनल में गाइज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल में अगर नया होना तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे ना तभी मेरे को सपोर्ट मिलेगा, बस और कुछ नहीं, कमेंट करेंगे तभी सपोर्ट मिलेगा। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है क्योंकि ये गाड़ी ही वैसी है, इसकी वजह से लंबा हो चुका है। गाड़ी में पूरा ए टू जेड खोलना पड़ता है, अंदर की कैबिन के अंदर डैशबोर्ड से जुड़ा जो कुछ भी रहता है सब कुछ खोलना पड़ता है, ए टू जेड कोई भी पार्ट नहीं जो कि ऐसा खोलना ना पड़ा मेरे को। तो आपसे मैं एक ही ये करता हूँ कि आप बताएं कि इसमें कितना टाइम लगा है डैशबोर्ड खोल के फिटिंग करने में, कितना टाइम लगा होगा आपके अनुमान से ज़रूर बताएं आप जरूर कमेंट करके। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए बढ़ते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।